नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट इन्फॉर्मेशन सीरीज़ में। आज के वीडियो में हम जानेंगे बियर पीने के सही तरीके के बारे में। दोस्तों, बियर एक ऐसी ड्रिंक है जिससे आप अपनी हेल्थ को सुधार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। जहां एक और इसे आप सही तरीके से पीकर हमेशा स्वस्थ बने रह सकते हैं, वहीं दूसरी ओर अगर आप बियर को गलत तरीके से पीते हैं तो यह आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो आइए जानते हैं बियर पीने का सही तरीका क्या हो जिससे यह आपके शरीर को हमेशा फ़ायदा ही करे। बियर का इस्तेमाल हृदय और सर्कुलेटरी सिस्टम की बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है। बियर का सही तरीके से सेवन करने से आप हृदय संबंधित अनेक बीमारियों जैसे हृदय की धमनियों यानी आर्टरीज का सख्त हो जाना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक आना, हार्ट फेलियर आदि को रोक सकते हैं। इसके अलावा बियर का सही मात्रा में सेवन करने से लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन जैसी हार्ट की बीमारी से भी बचा जा सकता है। बियर आपके शरीर में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, का स्तर बढ़ाता है। इससे आपके हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज का रिस्क कम हो जाता है और आप हार्ट अटैक से बचे रहते हैं। इसके अलावा बियर में मौजूद विटामिन B6 आपके शरीर में होमोसिस्टिन नामक केमिकल का स्तर कम करते हैं, जिससे आप हार्ट डिसीज से बचे रह सकते हैं, क्योंकि होमोसिस्टिन हार्ट डिसीज का एक प्रमुख कारण होता है। कई रिसर्च से पता चला है कि सीमित मात्रा में अल्कोहल पीने से आपके हार्ट को फ़ायदा होता है। यदि आप दिन में एक या दो ड्रिंक बियर के लेते हैं और हफ्ते में 3 से 4 ड्रिंक लेते हैं तो यह निश्चित रूप से आपके हार्ट को फ़ायदा ही करेगा। लेकिन यदि आप दिन में 2 ड्रिंक से अधिक पीते हैं तो यह आपको फ़ायदे की जगह नुकसान करेगा। ऐसा करने से ना सिर्फ आपको हार्ट डिसीज़ की संभावना बढ़ जाएगी बल्कि अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा अन्य बीमारियों के कारण आपके जल्दी मरने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा सीमित मात्रा में बियर का सेवन बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त कम होने की समस्या को रोकने के लिए भी किया जाता है। ऐसा पाया गया है कि जो लोग दिन में एक अल्कोहलिक ड्रिंक पीते हैं, 70-80 की उम्र पहुँचने पर उनकी याददाश्त अल्कोहल ना लेने वालों की तुलना में अधिक अच्छी रहती है और वह अल्जाइमर की समस्या से बचे रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो लोग 3 से 4 ड्रिंक प्रतिदिन लेते हैं उनकी याददाश्त बेहतर होने की बजाय बिगड़ सकती है। इसलिए बियर का सीमित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। सीमित मात्रा में बियर का सेवन करना टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क को भी कम करता है। इसके अलावा सीमित मात्रा में बियर का सेवन आपको अल्सर जैसी बीमारियों से भी बचाता है जो कि एच पायलोरी नामक बैक्टीरिया के कारण हो सकती है। सीमित मात्रा में बियर का सेवन आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है और आपको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से भी बचाए रखता है। इसके अलावा कम मात्रा में बियर का सेवन किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन से भी बचाता है। बियर पीना तभी फायदेमंद है जब आप इसकी मात्रा 2 ग्लास प्रतिदिन या उससे कम रखें और हफ्ते में 3 या 4 दिन ही इसका सेवन करें। इससे अधिक मात्रा में बियर का सेवन आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। आइए अब जानते हैं कि बियर पीने के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और कब इसका सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में बियर का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे मिसकैरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में बियर का सेवन शिशु में कई तरह के बर्थ डिफेक्ट का कारण भी बन सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी बियर का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बियर में मौजूद अल्कोहल माँ के दूध में पहुँच जाता है और शिशु को कई तरह के नुकसान पहुँचा सकता है। इसके अलावा यह बच्चे के स्लीप पैटर्न को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे बच्चे को अच्छी नींद लेने में समस्या आ सकती है। जिन्हें अस्थमा आदि की समस्या है उन्हें भी
बियर का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अस्थमा की समस्या को बढ़ा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से पीड़ित व्यक्तियों को भी बियर के सेवन से परहेज करना चाहिए क्योंकि अधिक अल्कोहल का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बिगड़ सकती है। लीवर की बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को भी बियर का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनसोम्निया की समस्या में भी बियर का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए क्योंकि बियर में मौजूद अल्कोहल इनसोम्निया को और अधिक बढ़ा सकता है। जिन व्यक्तियों में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ा हुआ है उन्हें भी बियर बिल्कुल नहीं पीना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल और अधिक बढ़ सकता है। ट्राइग्लिसराइड्स आपके ब्लड में मौजूद एक तरह का फैट होता है जिसे कोलेस्ट्रॉल के साथ मापा जाता है। हालांकि बियर का सीमित मात्रा में सेवन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से बचाता है, पर जिसे पहले से यह समस्या है उसे बियर का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यह समस्या बिगड़ सकती है। तो यह थे बियर के फ़ायदे और नुकसान। दोस्तों, हालांकि बियर पीने के कुछ फ़ायदे ज़रूर हैं जिनके बारे में हमने इस वीडियो में जाना, लेकिन ये फ़ायदे तभी हैं जब आप बियर को कम मात्रा में पिएं। हालांकि उन सभी फ़ायदों को आप बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यदि आप पहले से बियर नहीं पीते तो इन फ़ायदों के लिए आप बियर पीना बिल्कुल भी शुरू ना करें, क्योंकि एक बार बियर पीना शुरू करने पर आपको इसकी आदत पड़ सकती है और बियर का अधिक सेवन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और यदि आप पहले से बियर पी रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप इसका बिल्कुल सीमित मात्रा में सेवन करें ताकि यह आपको फ़ायदा पहुंचा सके। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और इसी तरह की जानकारी नियमित रूप से पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।